जीवन का ताना बाना, जहां हर धागा महत्वपूर्ण है। और आज 21वीं सदी में मानव और पशु का अस्तित्व एक ही दुशाले में बुना जा रहा है। भारतवर्ष के दिल में स्थित इस जंगल के कैनवस पर एक नई तस्वीर बनाई जा रही है। यह तस्वीर आने वाले सालों में अपने रंगों से उम्मीद और साहस की गाथा सुनाएगी। और इस तस्वीर के पीछे तीन कलाकार हैं, आप, मैं और चीता। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है जब चीतों को भारत लाया गया था, भारत से विलुप्त हो जाने के 70 साल बाद। पिछले 2 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने न केवल एक जानवर की जरूरतों को समझा है, बल्कि एक सामान्य लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित करने का मतलब भी जाना है। फिर चाहे रास्ते में कोई भी आए, कुछ भी आए। मगर लोग सवाल करते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए भी, क्यों वापस लाना उस जानवर को जिसे हमने खो दिया था। उनका विलुप्त हो जाना प्राकृतिक थोड़ा ही था, हमने उन्हें शिकार की वजह से खोया था। और अब जब वो वापस आ गए हैं, तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो देखते ही देखते वे इस परिदृश्य में फैल जाएंगे। चीतों की अपनी एक खास पहचान है, और यह राष्ट्रीय संरक्षण नैतिकता और विचारधारा के लिए बहुत खास महत्व रखता है। भारत में चीतों को वापस लाना न केवल उनको, बल्कि खतरे में पड़ी और कई प्रजातियों को भी बचाएगा, जिनमें से कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। और इस बीच लोग पूछते हैं, कूनो ही क्यों? दुनिया भर के 70% चीता रहने के लिए पेड़दार जंगलों को चुनते हैं। इसके विपरीत हम और आप हमेशा उन्हें टीवी पर खुले मैदानों में देखते हैं, क्योंकि वहां बस उन्हें फोटोग्राफ करना आसान है। और कूनो में घास के मैदान हैं, 1-2 नहीं बल्कि 40, कुल मिलाकर 13,000 हेक्टेयर। सोचिए, हम सब चिंतित हैं कि चीता भारत में रहेंगे कैसे। अरे सन 52 तक तो थे ही ना। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए 20 चीतों में से हमने 8 को खो दिया। कुछ कारण ऐसे रहे जिनकी अपेक्षा कोई नहीं कर पाया, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। ऐसे मौकों ने टीम को अपना सब कुछ झोंक देने के लिए प्रेरित भी किया है। अत्यधिक गर्मी और नमी ने 2023 में 3 चीतों की जान ली। इस साल गर्मियां और लंबी चली, मगर कूनो की टीम भी मुस्तैद रही। योजना और नवाचार के माध्यम से उन्होंने निर्दयी लू के थपेड़ों से चीतों को सुरक्षित रखा। तो फिर कब देख पाएंगे हम चीता को? चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग और कूनो की टीम दिन रात उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। चीता इसे अपना घर मान रहे हैं, तभी तो आज यहां 12 वयस्क के अलावा 12 नन्हे शावक भी हैं। उन्हीं में से एक 1.5 साल की मुखी खुद से शिकार करके सबकी नकारात्मक बातों का अकेले ही जवाब दे रही है। जल्द ही चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अरे सवाल तो कर लिए, थोड़ा प्रोत्साहित भी कर लीजिए। हर सुबह कूनो के मैदानों पर सूरज की पहली किरण क्षितिज पर आशा लेकर आती है, जो चीता के भारत वापसी की तस्वीर में नए रंग भर देती है। हम एक अद्भुत मोड़ पर खड़े हैं।
जहां कर्मठ सैनिक और गर्म जोश स्थानीय समुदाय हाथ पकड़कर एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जहां बहुत जल्द चीते इस विविध और खूबसूरत परिदृश्य के कोने कोने में आजाद घूमेंगे। हमारा हर प्रयास चाहे कितना छोटा हो, आने वाला कल बदलने की ताकत रखता है। मामूली सी लगने वाली हर जीत उस गहरे प्रभाव की दिशा में एक कदम है जो हम सब महसूस कर सकते हैं जब हम खुद अपने देश के संरक्षक बनते हैं। भारत में चीतों की पुनर्स्थापना एक साहसी प्रयास है और आवश्यक भी। ये वो कहानी है जिसे कैनवस पर हम सब मिलकर उतार रहे हैं, आप, मैं और चीता।